नमस्कार, वेलकम टू श्रुतीज किचन जर्नी। आज हम बनाने जा रहे हैं परवल का चोखा। चोखा बिहार की एक बहुत ही फेमस डिश है, तो चलिए बनाते हैं परवल का चोखा। इसके लिए हम 10 से 12 परवल लेंगे, उनके एंड्स काट करके, उनकी स्किन रिमूव करके उन्हें बॉईल कर लेंगे, फिर उनका पानी निकाल देंगे और उन्हें एक बड़े बाउल में ले लेंगे। अब हम उसे अच्छे से मैश करेंगे। इन्हें हमें अच्छे से दबा दबा कर मैश करना है और इनके सीड्स को रिमूव करना है। अच्छे से मैश करने के बाद इसके पके हुए बीजों को हम हटा देंगे और कच्चे बीजों को रहने देंगे। इस तरह से सारे बीज हमने हटा लिए हैं। अब हम इसमें एक टेबल स्पून फाइनली चॉप्ड गार्लिक डालेंगे, एक टेबल स्पून फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिली डालेंगे, एक टेबल स्पून कोरिएंडर एंड रॉ मैंगो पेस्ट डालेंगे, एक टीस्पून लेमन जूस डालेंगे और एक टीस्पून मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें एक टीस्पून नमक डालेंगे। और आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। ये चोखा खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और हेल्दी भी होता है। ज़्यादातर चोखा आलू और बैंगन के साथ बनाते हैं, लेकिन यहाँ हमने परवल के साथ चोखा बनाया है जो बहुत ही हेल्दी है। हमारा चोखा रेडी है, इसे आप बाटी या लिट्टी के साथ सर्व करें और इन्जॉय करें।